ये लो दादी। मैं पारू और हिमांशी जा रहे हैं। अभी तो हिम्मत नहीं है, अभी फिलहाल गंजा होते हैं। तो हिमांशी से लगवाऊंगी। चले गाइस, ये रो रही थी कि भाभी चलो इसी में जाते हैं। गाइज व्हाट्स अप, हैप्पी हनुमान जयंती टू ऑल ऑफ यू। आज हनुमान जयंती है इसलिए आज मेरा अटायर भी ऑरेंज ऑरेंज है। गाइज फिलहाल मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में आई एम मेकिंग आलू के परांठे। ये लो दादी, यहाँ रख दूँ? तो गाइज शाम के 7 बज गए हैं एंड मैंने ब्रेकफास्ट के बाद कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं पूरा दिन बिजी हो गई थी शॉर्ट बनाने में। तो ये कुछ पैकेजेस ऑर्डर किए थे मिंत्रा से जिसकी अनबॉक्सिंग आपको मेरी शॉर्ट पे मिल जाएगी। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ मंदिर क्योंकि आज हनुमान जी का बर्थडे है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और बहुत अच्छा कीर्तन भी हो रहा है। चल ही रहा है, मुझे बीच में से आना पड़ा क्योंकि 10 बजे हमारा व्लॉग आता है ना, अभी व्लॉग एडिट करना है तो पारस को व्लॉग वाला फोन चाहिए। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, शायद थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाऊँ, बट बहुत अच्छा लगा। Hey guys, welcome back to our vlog. मैं पारू और हिमांशी जा रहे हैं मार्केट। तो गाइज आज ना गुड फ्राइडे और पारस और हिमांशी की छुट्टी थी इसलिए हमने सोचा कि आज ही जाएंगे शॉपिंग में क्योंकि ना हमें वीकेंड पे आउट ऑफ दिल्ली जाना है। शॉपिंग करने आए हैं तिलक नगर मार्केट, हमारी फेवरेट। तो गाइज फर्स्ट स्टॉप था मेरा फुटवेयर्स की शॉप, मेरे को अपने लिए फुटवेयर्स लेनी थी। सो लेट्स चूज, बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे कलेक्शन, अब देखते हैं कौन सी पसंद आएगी मुझे। गाइज मैंने अभी फुटवेयर्स ले लिया है एंड अभी हम आए हैं गॉगल्स की शॉप पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पारू ये ले लो, देखते हैं, कॉस्टली है थोड़ा। कॉस्टली है गाइज, 150 रुपए का चश्मा कॉस्टली का है। अब आई है ट्रैक सूट लेने की और यहाँ पे काफी अच्छी ट्रैक सूट की कलेक्शन है तो मैंने एक ले लिया। अपनी शॉपिंग हुई डन, घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अभी पारू स्कूटी निकाल रहा है पार्किंग में से, लेट्स गो, और थक गया, बहुत वीकनेस हो रही है बेचारे को। तो गाइज नीतिका को फिलहाल मैं घर छोड़ रहा हूँ मम्मी के और मैं जा रहा हूँ फिर से गंजा होने क्योंकि लास्ट टाइम होना था तो मैं सोच रहा हूँ अभी चले ही जाऊँ। फिर से आ गया हूँ भैया के पास गंजा होने और इस टाइम लास्ट टाइम है, बस इसके बाद अब फुल ग्रोथ बढ़ानी है अपने बालों की। और मेरे पास एक कमेंट भी आ रहा था पिछली वीडियो में, भाई गंजा होने के साथ साथ ना बियर्ड भी हटवा दो। तो भाई इतनी हिम्मत तो नहीं है क्योंकि बियर्ड है इसीलिए मैं गंजा हुआ हूँ। ठीक है अगले साल देखेंगे, समर स्टार्ट होंगे ना तो देखेंगे कि बियर्ड भी हटवा देंगे, पर अभी तो हिम्मत नहीं है, अभी फिलहाल गंजा होते हैं। फिर से आ गया कोई गंजा होके दिखा तो दो, अब तो आदत हो गई है सबको देखने की। ओह माय गॉड, बस ये लास्ट टाइम है, अब नहीं होगा, अब तो नहीं होगा ना, पक्का प्रॉमिस करो। अब गाइस प्रॉमिस हो गया, अब नहीं होगा ये गंजा। फिलहाल हम कुछ खाने आए हैं क्योंकि इतनी भूख लगी थी, सुबह से बस ब्रेकफास्ट किया हुआ था। अभी हम खा रहे हैं ऑनियन डोसा विद सांबर एंड चटनी और हाँ कोक भी। गाइस मैं शॉपिंग करूँ और पारस ना करे ऐसा तो कोई नहीं सकता। अभी आ गया है अपनी फेवरेट फुटवेयर्स की शॉप पे, देखते हैं क्या लेना है मिस्टर को। गाइस पारस के लिए 2 फुटवेयर्स लिए हैं पर कसम से मजा आ गया देख के, जैसे हम दोनों को चाहिए होते ना वैसे बिल्कुल क्लासी और बिल्कुल अलग अलग चीजें। आज इतनी तगड़ी कलेक्शन थी ना, अभी आपको घर जाके दिखाऊं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था मार्केट से। मैंने ट्रैक सूट लिया, इतना फंकी सा लग रहा था ना, इसके कलर्स इतने प्यारे और वाइब्रेंट है ना, इसलिए मैंने ले लिया। और गाइस एक गॉगल्स लिए, व्हाइट कलर का कैट है, मेरे पास ब्लैक इसमें है इसलिए मुझे व्हाइट भी चाहिए था। और ये मैंने पारू के लिए लिया, बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा था। और गाइस पारू के पास व्हाइट शूज नहीं थे इसलिए हमने ये वाले लिए। ये बंदा फुटवेयर की शॉप पे जाए और चप्पल ना लेकर आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गाइस डिनर में आज मैंने बनाई है खिचड़ी क्योंकि डॉक्टर ने कहा है खिचड़ी खाने के लिए, पारू मेडिसिन लेकर आया। एज यूजुअल इतना बाहर का खाया था तो पेट में हो गई है गड़बड़, इतनी सारी, अब खाओ मेडिसिन और खाओ खिचड़ी और हो जाओ ठीक। गाइज ये देखो, शाम को ना मेहंदी लगवा के आई थी मानसी बाहर से जो कि उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर इसकी मेहंदी देख के ना मेरा भी मन कर गया और मैं तो हिमांशी से ही लगवाऊंगी। yes. देखो गाइस कितनी ब्यूटीफुल लगाई है, अभी तो हाफ एंड हुआ है, अभी तो हाफ भी नहीं हुआ और अभी तो स्टार्ट ही हुई है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। गाइज ये देखो 3 बज गए हैं, मैंने बनार की नैप भी ले ली है। ये देखो इनकी मेहंदी अभी तक नहीं लगी है, आपको क्या शौक चढ़ा था अभी मेहंदी लगवाने का, टाइम से नहीं लग
लगवाई थी, इतना मन कर रहा था मेहंदी लगवाने का। अब हो गए हैं अभी बच्चे, ऑयलिंग हो रही है। फाइनली मेहंदी लग गई है और बैक की भी बहुत सुंदर लगी है। मैं सोच रहा हूँ 3 बजे गए और मेरी थोड़ी सी नींद तो पूरी हो गई है, तो फिर चाय पीने चलते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए गए नहीं। फिर क्या प्लान है? नींद तुम्हारी पूरी हुई है, मेरी नहीं हुई। नहीं जाओगे? ओके बाय बाय। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। मैं अभी जा रही हूँ फटाफट से ORS लेने पारस के लिए। एंड लुक एट माय मेहंदी। वैसे ना हम ये कीप कहीं और जगह से लाए थे इसलिए ज्यादा डार्क नहीं हुई है, बट लुकिंग सो प्रिटी। और एक ये भी अपडेट है कि मेरे को कोल्ड भी हो गया है। देखो मेरी आवाज कैसी मोटी मोटी सी हो रही है। क्यूट है, क्यूट। सो गाइस ORS भी ले लिए और थोड़े से फ्रूट्स भी। ब्रेकफास्ट में मैंने पारस को दिए ये छोले और प्रॉन्टी और उसके बाद ये पिएगा ORS। तो गाइस मेरे को भी अच्छा खासा जुकाम हो गया, मैंने भी मेडिसिन ली है। ये देखो इयर्स में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो व्लॉग तो मैंने कुछ बनाया नहीं आज, बट फिलहाल हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमें स्वीट्स का बॉक्स लेना था खाने के लिए, कोकोनट बर्फी। 11 बज रहे हैं और हम भागते हुए आए थे क्योंकि भूल ही गए कि मिठाई का डब्बा लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हमको आउट ऑफ दिल्ली जाना है और सुबह 6 बजे हमको निकलना है, इसलिए शुक्र है कि मिल गया। तो गाइस फिलहाल इस टाइम हमारी पैकिंग चल रही है, सुबह 6 बजे निकलना है और सारे जा रहे हैं, मतलब मम्मी पापा मैं नितिका हिमांशी दादी, और फिलहाल सारे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई है कजन ब्रदर उसका रोका है। तो पैकिंग करने से पहले डिनर कर लेते हैं। गाइस ये देखो हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं और अभी पैकिंग हुई नहीं है और शायद लग भी नहीं रहा कि हम तीनों जा पाएंगे क्योंकि तीनों की हालत टाइट हो रखी है। इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि कफ कोल्ड है, फीवर भी हो सकता है, और मेरा तो वॉशरूम जा जाके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हम तीनों नए कपड़े, नए शूज, ट्रैक सूट सब लेके आए हैं। वो देखो वो भी हील्स लेके आई है, सब लेके आई है, पर क्या करे हिम्मत सी नहीं हो रही। तो गाइस फिलहाल हम सबने एक एक नैप ले ली और हिमांशी को भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और नितिका को भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो क्या फिर सीन चले? तो फिर फटाफट से रेडी होते हैं और ये वाला व्लॉग मैं इसके साथ एंड करता हूँ और आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा कि हम कहाँ गए, किसके फंक्शन पे गए। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को तो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।